चक्रवाती तूफान ने आतंक मचा रखा है। चक्रवाती तूफान से कई मकानों की दीवारें गिर गई हैं, कई बाग बर्बाद हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीण खासा परेशान हैं और ग्रामीणों का भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, HT लाइन व विशाल पेड़ गिर चुके हैं। बता दें कि बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान ने खूब आतंक मचाया। आधा दर्जन से अधिक मकानों का नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही साथ आम के बाग, धान और गन्ने की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। 150 मीटर की परिधि में यह चक्रवाती तूफान मापा गया। चक्रवाती तूफान से बचने के लिए ग्रामीण सुरक्षित स्थानों का रुख करते हुए नजर आए। सयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव और चरंगावटी में यह चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। नाम आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं चिंगरावटी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, डाकखाना सयाना। अच्छा, क्या ये अभी तूफान आया? ये तूफान आया था, तूफान में मकान फट गया। कैसा तूफान था? तूफान बहुत भयंकर तूफान था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? करीब बहुत नुकसान हो गया, क्या इसकी वो करी जा सकती है तुलना? आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान मकान ढहा पड़ा है हमारा, दीवार गिरी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सब टूट गए, सब ये पड़ी सब। पर बाकी आप वीडियो घुमा लें। नाम आपका? अजय कुमार। कहाँ के निवासी हो? गांव चिंगरावटी। अच्छा, तो अभी तूफान आया है, किस तरह? 1:30 बजे करीब हमारे गांव में तूफान आया, उसमें करीब 30-35 घर को क्षति हुई है, भारी क्षति। किस तरीके का तूफान था? तूफान पर तूफान था, एक तरह का बवंडर टाइप तूफान था। कितनी चौड़ाई होगी? कितनी चौड़ाई होगी? 50-100 मीटर। अच्छे, कितने मकान और बाग? बागों में, फसलों में, 20-30 मकानों में, सबकी छत, दीवार सब सब ढह गई। तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर? प्रशासन के क्या कहते हैं, लेखपाल मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन से और शासन से क्या गुजारिश है भाई? क्षति की पूर्ति करी जाए, जिन गरीब लोगों की क्षति हुई।